नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात वैन में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात करीब 1 बजे रबुपुरा थाना अंतर्गत इलाके में नोएडा से जीवर की और 0 पॉइंट से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक इको वैन नंबर DL3CC7136 में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि 3 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि वैन में सवार सभी लोग दिल्ली से झारखंड जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा से जेवर की ओर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस मृतकों का पंचनामा भरवाकर आवश्यक कार्रवाई करवा रही है। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां दोस्तों भयानक यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुखद ट्वीट किया है। तो बहुत ही बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।